हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हमने बात करी है टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको अंडर 25,000 रुपीज़ देखने को मिलेंगे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में। और ये सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जो अपने नॉर्मल प्राइस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 2-3 हज़ार रुपीज़ का हर फोन में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के पहले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है रियलमी की तरफ से आने वाला 11 प्रो 5G स्मार्टफोन। और दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन की नॉर्मल प्राइसिंग की, तो 23-24 हज़ार रुपीज का मार्केट में आपको ये देखता है। बट जब भी आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में बाय करेंगे, तब ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 रुपीज इजिली देखने को मिल जाएगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होगा अंडर 20,000 रुपीज, अगर आप इस स्मार्टफोन को ग्रैब कर पाते हैं तो। बिकॉज आपको अंडर 20,000 रुपीज इस स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें आपको 100 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस के लिए वहीं आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का एक पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मली 20,000 रुपीज के फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा भी बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस भी काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन आप बाय कर सकते हैं, अगर आप अंडर 20,000 रुपीज एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हो तो। तो इसके बाद आप बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च्ड मोटोरोला H40 नियो 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन भी अंडर 20,000 रुपीज ही आपको देखने को मिलेगा। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको अंडर 20,000 रुपीज IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो यह स्मार्टफोन भी आपके लिए काफी ज्यादा खास हो सकता है, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन पसंद है। बिकॉज आपको परफॉर्मेंस के मामले में पिछले स्मार्टफोन की तरह ही मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का एक 2.5 GHz पर क्लॉक्ड पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड वहीं आपको डिस्प्ले के तौर पर भी यहाँ पर POLED पैनल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशंस काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है अंडर 20,000 रुपीज। तो इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। और थर्ड नंबर पे जो हमने स्मार्टफोन रखा है, वो उन लोगों के लिए रखा है जिनको गेमिंग के तौर पर अंडर 20,000 रुपीज एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। तो वो लोग बाय कर सकते हैं पोको की तरफ से आने वाला X5 Pro 5G स्मार्टफोन। बिकॉज ये स्मार्टफोन जो है वो भी आपको अंडर 20,000 रुपीज या फिर 21,000 रुपीज की प्राइस रेंज में ही देखने को मिलेगा। और ये इस बजट में आने वाला वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। सो जिनको गेमिंग के तौर पर कोई बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, वो लोग इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज आपको यहाँ परफॉर्मेंस के लिए मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट। इसके अलावा आपको डिस्प्ले के तौर पर भी काफी जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। एंड वहीं आपको फोटोग्राफी के तौर पर 108 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 30fps पर इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये स्मार्टफोन भी आपके लिए काफी ग्रेट डील हो सकती है, अगर आप इस स्मार्टफोन को अंडर 20,000 रुपीज ग्रैब कर पाते हैं तो। तो उसके बाद आप बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमने रखा है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो T2 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की नॉर्मल प्राइसिंग की, तो यह स्मार्टफोन आपको नॉर्मली 18,000 रुपीज की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। बट फ्लिपकार्ट की इस सेल में आपको यह स्मार्टफोन 16,000 रुपीज का देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को 16,000 रुपीज की बजट प्राइस रेंज में बाय कर पाते हैं, तो ये स्मार्टफोन भी आपके लिए काफी ग्रेट डील होगा। और ये स्मार्टफोन हमने उन्हीं लोगों के लिए रखा है जिनका जो बजट है अराउंड 16,000 रुपीज तक चला जाता है, तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज आपको यहाँ पर भी परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है। और वहीं आपको फोटोग्राफी के तौर पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी देखने को मिल जाता है। OIS का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले के तौर पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको वीवो के स्मार्टफोन पसंद है और आप वीवो का ही कोई स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो। तो ये तो रहे हमारी लिस्ट के फोर्थ नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। इसके बाद आप बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फिफ्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमने रखा है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन आपको 17-18 हज़ार रुपीज की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। बट अगर आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में बाय करते हैं, तो यही स्मार्टफोन आपको 16,000 रुपीज की बजट प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। तो सेल में बाय करने का आपका एक फायदा होगा कि आपको 2-3 हज़ार
₹6,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सेल में बाय करते हैं इस स्मार्टफोन को तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डील होगी। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस का एक 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है और ये भी 2.2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको फोटोग्राफी के तौर पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से 1080p में अपनी वीडियोज़ को फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशंस काफ़ी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के तौर पर आपको 6.72 इंचेस की एक LCD पैनल देखने को मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस आपको इस फोन के भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं और ये स्मार्टफोन भी आपको बिग बिलियन डेज में काफ़ी सस्ता देखने को मिलेगा, तो आप इस स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हैं। सो ये रहे कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स जिनमें आपको डील्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही हैं और आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन को ₹20,000 इजीली बाय कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।